मुझसे कहता कि मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो गया, अब ए कछुए मैं कौन से तेरे प्यार में हीरोइन बन गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह की ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो कैपकट ऐप के अंदर, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाता है। तो सबसे पहले आप एडिटिंग सीख लें, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें, खुद ही हैरान हो जाएंगे एंड आपको आप भी इस तरह की वीडियो जो कि वो बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आपको प्ले स्टोर से भी बहुत ही आसानी से वहाँ पर मिल जाता है, सही है। एंड यहाँ पर आपने इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, सही है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से आपने अपनी कोई सी भी यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास एक वीडियो आ गई है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट में आना है एंड यहाँ पर आपने इस एंडिंग वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है, नीचे डिलीट पर क्लिक करके, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपने एडजस्ट पर क्लिक कर देना है, सही है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपने ग्राफिक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार कलर मिल जाते हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू वाला, सही है। आपने यहाँ पर व्हाइट पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से इसको ऊपर कर देना है एंड यहाँ पर राइट वाले से यहाँ पर आपने इसको यहाँ से नीचे कर देना है एंड रेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस लाइन को ऊपर करना है एंड इसको आपने नीचे कर देना है। ग्रीन पर क्लिक करना है, इसको आपने कुछ इस तरह से ऊपर कर देना है एंड इसको आपने कुछ इस तरह से नीचे कर देना है। ये ट्रिक बिल्कुल न्यू ट्रिक है एंड इसको भी यार काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एंड उनकी वीडियोज़ जो कि वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती हैं ब्लैक इफेक्ट के अंदर एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है ये एडिटिंग। उसके बाद आपने ब्लू पर क्लिक करके इसको भी आपने कुछ इस तरह से नीचे कर देना है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको डन कर देना है एंड यहाँ से भी आपने इसको डन कर देना है, सही है। तो ये हमारी वीडियो के नीचे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से बैक आना है, सही है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, सही है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बेसिक पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने ब्लर पर क्लिक कर देना है एंड इसको अभी यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन को यहाँ से बढ़ा देना है अपनी ऊपर वाली लेयर के मुताबिक, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है एंड इसको आपने कुछ इस तरह से फुल HD में यहाँ पर इसको जो क्या वो सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। यहाँ पर इसका रिजल्ट देखकर यार आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, आपको भी पता चलेगा कि भाई कुछ वीडियो एडिट हुई है, सही है। तो यहाँ पर देखिए हमारी वीडियो कुछ सेव हो रही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारी वीडियो यहाँ पर सेव होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने डन नहीं करना, आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से बैक आ देना है, सही है। बैक आने के बाद आपने यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने इस ब्लर वाले को यहाँ से डिलीट कर देना है एंड उसके बाद आपने यहाँ से बैक आना है एंड यहाँ पर आपने एडजस्ट पर क्लिक करना है एंड एडजस्ट वन वाली लेयर को भी यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में आना है, सही है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो वीडियो हमने अभी अभी सेव किया आपने वहाँ पर क्लिक करना है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने टू फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से इसको प्रॉपर एडजस्ट कर देना है अपने फ्रेम के अंदर इसके पीछे वाली वीडियो के मुताबिक, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे स्प्लाइस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बर्न पर क्लिक कर देना है, सही है। बर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें थोड़ी सी यहाँ पर ग्लोइंग वीडियो यहाँ पर जो कि वो रेडी हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको 65 तक रख लेता हूँ या यहाँ पर मैं 70 पर रख लेता हूँ, 62 पर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ, सही है। इसको डन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारी वीडियो कैसे एडिट हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना हमारे मतलब के चेहरा है जो कि वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है साइड से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक इफेक्ट वीडियो होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको शाइनिंग देने के लिए आपने यहाँ पर ऐड ओवरले पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्ट्रोक वीडियोस पर क्लिक करना है एंड ये वाला आपने एक पेपर ले लेना है व्हाइट वाला, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है एंड इसको टू फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है अपनी पूरी वीडियो के ऊपर, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर स्प्लाइस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने ओवरले पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कमाल देखें कितनी यहाँ पर ग्लोइंग वीडियो, कितनी कमाल की यहाँ पर एडिट हो चुकी है। आप इसको जो क्या वो यहाँ पर इसका कलर भी हल्का कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ 60 तक एंड उसके बाद आपने इसकी भी टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पर नीचे इसकी लेयर तक के मुताबिक इस तरह से बढ़ा लेना है, सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी ब्लैक इफेक्ट जो कि वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पर हमने ब्लर भी इफेक्ट कैसे ऐड करना है जो कि आपने वीडियो के प्रीव्यू में भी देखा होगा। यहाँ पर हम वीडियो के स्टार्ट में आते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेंडिंग के अंदर ही आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, सही है। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है स्नो सपोर्ट वाला, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर आगे आना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिस्टमस, ये वाला आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके पास यहाँ पर बहुत सारे नीचे जो कि वो इफेक्ट्स आ जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो आपको यहाँ पर ये क्रिसमस के अंदर यहाँ पर आपको जो क्या वो स्नो स्पॉट वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेंडिंग के अंदर ही चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ एंड उसके बाद आप इसकी ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से ज़्यादा करना चाहें, हल्का करना चाहें, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ
एंड उसके बाद यहाँ पर मैं वीडियो के स्टार्ट में आता हूँ। एंड यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से स्नो स्पॉट, यहाँ पर देखें ऊपर स्नो की तरह एक स्पॉट्स आ रहे हैं, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग के साथ मिल जाता है बेसिक इफेक्ट, सही है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने डायमंड पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर रिजल्ट देखें यार, जो कि आपने टिकटॉक पर भी देखा होगा यार, कितनी कमाल की यहाँ पर हमारी वीडियो लग रही है। एंड उसके बाद आपने इसकी ड्यूरेशन को भी इस तरह से इसको इसके नीचे तक रख लेना है। यहाँ पर मैं वीडियो को बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ प्ले करके, यार कितनी कमाल की वीडियो यहाँ पर जो कि वो एडिट हुई है। मुझसे कहता कि मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो गया। एंड यहाँ पर देखें एक फाइनल रिजल्ट, जो कि बाकी फाइनल रिजल्ट है जो कि सारे इसके वीडियो के एडिटिंग के जो कि फाइनल रिजल्ट है, जिससे कि आपकी वीडियो और ज़्यादा अच्छे से जो कि एडजस्ट हो पाएगी, एच डी क्वालिटी में एडिट हो पाएगी। वो क्या कि आपने यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में आना है एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर शार्पन पर क्लिक करना है, सही है। शार्पन पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से 100 कर देना है। अब देखें इसका फेस देखें कितना यहाँ पर जो कि वो ग्लो हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो आपने इसको 100 कर देना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर पॉलिश पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने HSL पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने ऑरेंज पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से आप इसको ब्राउन इफेक्ट भी दे सकते हो, सही है, कुछ इस तरह से। एंड आपने सैचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा लेना, जितना भी आप रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, सही है। यहाँ पर इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड इसकी कैमरेंस को भी यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ब्राउन, यहाँ पर देखें तीन तरह की यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग हो चुकी है। ये देखें, ये है डायमंड ब्लर एंड उसके बाद जो कि आती है ये वाली, ये है ब्लैक इफेक्ट वीडियो एंड यहाँ पर देखें एक ब्राउन कलर भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखें कितनी कमाल की वीडियो एंड इस तरह की वीडियो बनाएं, टिकटॉक पर अपलोड करें, वायरल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये थी वीडियो यार, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको फुल HD में सेव करना है एंड यहाँ पर आपने ऊपर एरो पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी एंड वहाँ से आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं एंड स्टेटस लगा सकते हैं। तो इन्जॉय करें इस तरह की वीडियो को एडिट करके। तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब करना, लाइक तो भाई ज़रूर कर देना यार, दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मिलती है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, वो वीडियो देखें, इन्जॉय करें। तो अल्लाह हाफिज़।